बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कनेरी के नेल्स पे, यानी कनेरी के जो नाखून होते हैं वो 1.5 साल 2 साल में बढ़ते हैं। तो अगर आप यानी आपके घर में कोई कनेरी है और आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं और आप नए कनेरी जो है पेट्स लवर हैं, यानी आप नई कनेरी पालना स्टार्ट किए हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कनेरी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो कनेरी के प्रॉब्लम्स में सबसे जो अहम प्रॉब्लम होता है वो मोल्टिंग होता है और नेल्स के बढ़ जाने का होता है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको नेल्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे नेल्स जो इनके नाखून होते हैं कैसे आप इसको कट कर सकते हैं और कनेरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, आपको ये मेरे घर में ये कनेरी मैंने ली है और तकरीबन इसको मेरे पास 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल के अरसे के बाद मैंने कनेरी में एक प्रॉब्लम देखा, जो इसके नाखून बढ़ चुके थे। तो इसके नाखून में प्रॉब्लम ये आया था कि इसके जो नेल्स थे वो काफ़ी लॉन्ग हो चुके थे और मुड़ चुके थे, राउंड हो चुके थे। तो चूंकि मैं इसके नेल कट कर चुका हूँ तो इस वजह से मैं आपको प्रीवियस नेल्स नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको इसके नेल्स की पोजीशन नज़र आएगी कि कनेरी की नेल्स की पोजीशन क्या होती है जब बढ़ जाते हैं। तो कनेरी के अगर आप देखें नेल्स बढ़ गए तो आपने इसको कट करना है। तो कट करने का क्या तरीका है, अगर आपने ऐसे ही अपने कनेरी को लिया और नेल कटर उठाया और कनेरी के नेल को कट करना शुरू कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के इनकी जो वेस्कुलर है, यानी इनकी जो अंदर से ब्लड की जो वेस्कुलर आ रही होती है, इनके नाखून तक आ रही होती है, अगर आपने वो कट कर दिया तो कनेरी के नाखून से खून आना शुरू हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा और कनेरी एक्सपायर भी हो सकती है। तो इसको एहतियात करने से आपको ये होगा कि आप सबसे पहले इसको सीख लें कि कैसे इसके नाखून को कट करना है और कैसे जो है इसकी टेक केयर को। चले मैं आइए आपको इसकी फ़ोटो और ग्राफ दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसके नेल का कट करने का तरीका क्या होता है। तो अभी आपको मैं इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने कनेरी के नेल्स को कट किया है और काफ़ी कंफर्टेबल ये महसूस कर रहा है। कनेरी का मेल है, काफ़ी अच्छी सिंगिंग करता है, बहुत अच्छा ये चहचहाता है दिन में सुबह में। तो जब ये उड़ रहा था, बैठ रहा था जाली पर, तो इसके जो नेल्स हैं वो इसके जाली में अटक रहे थे केज की, तो इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी और नेल्स ख़राब हो रहे थे। और अगर इसका नेल्स टूट जाता, ब्लड निकलता और हो सकता है कनेरी को नुकसान भी पहुंच सकता था। तो मैंने कनेरी को सोचा कि इसके नेल्स कट करके फिर इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ, ताकि जो नए सब्सक्राइबर हैं पालने वाले या नए कनेरी के लवर हैं वो पालने वाले, उनको ताकि इसकी आगाही भी हो कि ये भी इसके अंदर पोजीशन होती है। तो चले मैं आइए आपको फ़ोटो में ग्राफ में दिखाता हूँ कि कनेरी के जब नेल्स बढ़ जाते हैं कैसे नज़र आते हैं और कनेरी के नेल को कैसे काटा जाता है, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ इंशाल्लाह। आइए वीडियो में फ़ोटो में देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देखें कि आपको एक सबसे ऊपर के पोर्शन में एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, फ़ोटो नज़र आ रही होगी, नेल्स की है, कनेरी के नाखून की है। तो आप ये देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का जो आपको नाखून नज़र आ रहा है, ये अंदर का नरम वाला हिस्सा है, इसको ब्लड वेस्कुलर भी कहते हैं। तो ये हिस्सा इनका जो है आपको जो नज़र आ रहा है, उसके बाहर का जो हिस्सा वाइट नज़र आ रहा है, तो ये कटिंग का एक निशान दिया हुआ, यहाँ से आप कनेरी की नेल्स को कट कर सकते हैं। और पोजीशन भी कैसी, आपने नीचे रख के इसको काटना है। और दूसरा ये कि आपने नीचे वाली तस्वीर में एक फुटेज में वाजे देख रहे हैं कि इसके ऊपर नो भी लिखा हुआ है और इस तरीके से कनेरी के नाखून को नहीं काटना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। तो यानी पोजीशन दिखा जाए, इस तरीके से आप अपने कनेरी के नेल्स को कट कर सकते हैं और कनेरी की जो है निगहदाश्त कर सकते हैं। तो
व्यूअर्स, तो इसी तरीके से आपने जब कनेरी को पकड़ना है हाथ में, तो उसके बाद फिर आपने ये फ़ोटो देखनी है। उस तरीके से आपने आप जब कनेरी को पकड़ेंगे तो ख़ुद ही से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कनेरी का जो ब्लड का वस्क्यूलर, आपको आप रोशनी में देखेंगे यानी लाइट की तरफ करके या सूरज की तरफ आपको नज़र आएगा। तो उससे पहले आप जो ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसको फॉलो करते हुए आप कनेरी के नेल्स कट कर सकते हैं। तो ये जब कनेरी में प्रॉब्लम आता है, नेल्स बढ़ जाते हैं, तो वो नेल्स प्रॉब्लम करते हैं और कनेरी को बैठना, उड़ना, फिरना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से इसके नेल्स को कट किया जा सकता है। और नेल कट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है एक छोटे से ग्राफ के हिस्सा दिखाकर, तस्वीर दिखाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कनेरी के नेल्स को कैसे कट किया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बेल के बटन को दबाइए और इंशाल्लाह हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।